पुलिस के चंगुल में आया ये साधु एक इनामी डकैत है। पुलिस इसकी तलाश पिछले 24 साल से कर रही थी, लेकिन 50,000 के इनामी डकैत को गिरफ्तार करने में पुलिस को अब सफलता मिली है। इस डकैत को यूपी के औरैया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस डकैत का नाम छिद्दा सिंह है, जो सतना के चित्रकूट में अपना भेष बदल कर रह रहा था। इसने अपना नाम भी बदल कर ब्रजमोहन दास कर लिया था। इतना ही नहीं, इसने पैन कार्ड आई कार्ड भी अपने छद्म नाम से ही बनवा लिया था। पुलिस द्वारा और थाना अयाना की पुलिस द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 24 साल के बाद एक वांछित अपराधी जिसका नाम छेदा सिंह उर्फ छिद्दा पुत्र रजब सिंह है, जो पिछले 24 वर्षों से हमारे जनपद से वांछित चल रहे थे, जिनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और जिनके ऊपर लगभग 24 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनको थाना अयाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छेदा सिंह उर्फ छिद्दा पिछले कई वर्षों से अपना नाम बदलकर चित्रकूट जनपद में ब्रजमोहन दास के नाम से बाबा के भेष में रह रहे थे। इनके पास से फर्जी पैन कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि ये लाला राम गैंग, जो उस समय एक सक्रिय गैंग था और कई सारे अपहरण और फिरौती हेतु अपहरण के द्वारा किए जाते थे, उसका एक सक्रिय सदस्य था। इनके ऊपर कई संगीन मुकदमे अपहरण की धाराओं में दर्ज हैं और 50,000 का इनाम वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अनाउंस किया गया था। दरअसल बाबा ब्रजमोहन दास उर्फ छिद्दा सिंह सतना के चित्रकूट में बीमार चल रहा था। उसे सांस की बीमारी थी, जिसके बाद उसने दूसरे सन्यासियों से अपने जन्मस्थली पर छोड़ने की अपील की, जिसके बाद दूसरे साधु संत उसे लेकर उसके गाँव अयाना पहुंचे थे, लेकिन इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। हम लोग आते, हम तो 2-3 साल से वहाँ जुड़े, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ये बता रहा है कि ये पहले टाठी घाटे का आश्रम है, तो वहाँ रहता था। इसके बाद में ये बता रहा था कि वो हमसे सीनियर वो हैं, इधर वाले बैठे हैं, तो ये बताया कि ये 8-9 साल से इस आश्रम में आके रहने लगा था, पहले टाठी घाट में रहता। अच्छा अच्छा। आपको बता दें कि चंबल के इलाके में डकैत छिद्दा सिंह की एक समय तूती बोलती थी, इसके नाम से लोग कांपते थे। छिद्दा सिंह उस इलाके के कुख्यात लाला राम के लिए अपहरण उद्योग भी चलाता था। छिद्दा सिंह का नाम 1981 में बहमई कांड से पहले फूलन देवी का अपहरण में भी आया था। इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। हालांकि चंबल में जब डकैतों के खिलाफ अभियान चल रहा था, तब छिद्दा सिंह वहां से भाग निकला था। वो सतना में जाकर रहने लगा था, वो यहाँ पर साधु बन गया था। सतना में वो ब्रजमोहन दास महाराज के नाम से रह रहा था। छिद्दा सिंह यहाँ भगवत आश्रम में रहता था। उसकी उम्र 69 साल हो गई है। छिद्दा सिंह अविवाहित है। अब उसकी तबीयत भी खराब रहती है। तबीयत खराब होने की वजह से उसे घर की याद आ रही थी। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो सही से चल भी नहीं पा रहा है। सतना से योगी तारा के साथ औरैया से सूर्य शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।